हे गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्री फायर टूर्नामेंट बैनर कैसे बनाएं, वो भी पिक्सल लैब ऐप में। चल झूठा। और भाई मैं ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना इसके लिए, और मैं जो बैकग्राउंड दूंगा उसको इम्पोर्ट करके इसका साइज फुल करके इसे लॉक कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ कलर वगैरह वैसे कर लेना। उसके बाद मैं कुछ पीएनजी वगैरह दूंगा, इसे आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर पीएनजी को आप लोग इम्पोर्ट करके इसका ये साइड चेंज कर लेना जैसे मैं किया हूँ। तो यहाँ पे इसे भी लॉक कर देना और इसका डुप्लीकेट बनाकर इसको दोनों को मैच कर देना एक साथ जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत ही ध्यान से करना। और देखो भाई, तुम लोग चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, इसी बात पर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो देखो मैं तुम सभी के लिए इतना इंटरेस्टिंग वीडियो ला तो फिर भी नो रिस्पांस, भाई तो थोड़ा सपोर्ट करो। मेरा इसी बात पे बोलने का कुछ ऐसा मन करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और कुछ लोग तो वीडियो भी देखते फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों भाई? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, और वीडियो को तुम लोग पूरा देखना। इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम लोग जैसे पीएक्स वगैरह बढ़ा रहा हूँ कलर नीचे करके लेयर का, तो वो तुम लोग कर लेना देख लो। और मैं यहाँ पे पीएनजी इम्पोर्ट कर लूँगा। अगर तुम्हें ये लोगो बनाना सीखना है तो भाई तुम वीडियो में कमेंट कर देना, ये भी मैं बता दूंगा कैसे बनाना। वैसे मैं पीएलपी फाइल भी दे दूंगा। अब भाई वीडियो पूरा देखना, पीएलपी पे क्लिक मत करना क्योंकि मैं पासवर्ड भी दे सकता हूँ वीडियो के बीच में, दे भी सकता हूँ नहीं भी। तो वीडियो पूरा देखना। और मैं बात करने वाला हूँ, देखो भाई हम टूर्नामेंट एप्लीकेशन एक लॉन्च कर रहे हैं जो कि मतलब वहाँ पर ई स्पोर्ट्स फ्री फायर का होने वाला है, तो वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे वहाँ पर अभी जाओगे तो कुछ दिखेगा नहीं, बट वहाँ पर तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अभी 2 से 3 दिन में हम लोग लॉन्च कर देंगे ऐप को, तो ऐप को डाउनलोड कर देना और हमारे ई स्पोर्ट्स वाले चैनल को, ई स्पोर्ट्स से जो भी रिलेटेड अपडेट होगा वह अपने दूसरे चैनल पे दे दूंगा, तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो मैं ये जैसे कर रहा हूँ सेट वगैरह ये सब अच्छे से तुम लोग कर लेना, यहाँ पर बैकग्राउंड ये सब। और इसका पीएलपी तो दे ही दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम जरूर कर सकते हो भाई। यहाँ पे इसको शैडो वगैरह दे देना जैसे इफेक्ट वगैरह मैं डाल रहा हूँ। तो ये शेप क्रिएट करके तुम लोग अच्छे से इसको बैकग्राउंड में सेट कर लेना जैसा तुम्हें। मैं आगे इसको और भी अच्छे से थोड़ा सेट करूँगा, और ये जो लोगो है टूर्नामेंट वाला तो ये भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये सबको एक जगह फिक्स कर देना। अब हम टेक्स्ट को इम्पोर्ट करेंगे, थोड़ा टेक्स्ट मतलब यहाँ पे डालेंगे। तो देखो टेक्स्ट कैसे डाल रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल वैसा सेम टू सेम डाल सकते हो। फॉन्ट वगैरह का नेम तुम देख लो यहीं पे, मैं फॉन्ट का पैक नहीं दे पाऊँगा या फिर भाई पीएलपी में तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है? तो ये फॉन्ट का नेम देख लो, तुम लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो फॉन्ट का नेम सर्च करके, और ऐड करना तो तुम्हें आता ही होगा पिक्सल लैब में। तो ये देखो मैं कलर ग्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ टेक्स्ट का, ये सब देख लो कलर ग्रेडिंग, और तुम लोग सेम टू सेम कर सकते हो या फिर तुम्हारा जैसा मन हो भाई वैसा कर सकते हो। और यहाँ पे ब्लर रेडियस शैडो में इनर शैडो में आके बढ़ा देना वाइट कलर से, और ऑफसेट वाई जैसे मैं एक्स कर रहा हूँ वैसे करके तुम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना भाई। यहाँ पे मैं सेट कर लूँगा इसको, उसके बाद और भी न्यू टेक्स्ट इम्पोर्ट करूँगा फिर से। तो यहाँ पे एक और टेक्स्ट इम्पोर्ट हम लोग कर लेंगे, और इसको पहले अच्छे से मैं मूव वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट इम्पोर्ट करके यहाँ पे मैं 1000 INR लिख देता हूँ। तो 1000 INR लिखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट मैं फिर से कर लूँगा म्यूरोसलैंड, और यहाँ पे मैं फिर से कलर ग्रेडिंग करूँगा थोड़ा, और यहाँ पे कलर इस टाइप का कुछ देना कलर ग्रेडिंग, देख लो कैसा है। तुम लोग बिल्कुल मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना भाई, या फिर तुम्हारा जैसा मन हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे मैं कलर ग्रेडिंग ऐसे करके इनर साइड फिर बढ़ा दूंगा, इनर साइडों में मतलब येलो कलर देकर कुछ ऐसा ऑफसेट एक्स कर देना है और वाई को भी कर देना है। तुम्हें जो सही लगे वैसे कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा छेड़छाड़ इसके साथ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फिर से ऊपर वाले को भी थोड़ा देख लेता हूँ, ये सबको अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा खाली भी ना रहे और ज़्यादा स्पेस भी ना मतलब बचे, ठीक है? इतना खाली खाली भी नहीं बनाना है भाई। तो ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स भी मुझे डालना है। अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम
तुम्हें जैसा मन हो भाई, क्रिएटिविटी अपना दिखाओ और यहाँ पे तुम कर लो। और ओपेसिटी इसका थोड़ा मैं मैनेज कर लेता हूँ बैकग्राउंड का पीछे का, बट अच्छा नहीं लग रहा, इसे हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे एक और हम क्रिएट करेंगे नीचे, थोड़ा डिटेल्स देने के लिए शेप्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कलर ऑन करेंगे। यहाँ पे जैसे कलर तुम देख रहे हो, यहाँ पे कलर को ऑन करके ग्रेडियंट में कुछ इस टाइप का कलर तुम्हें ले लेना है और यहाँ पे इसको नीचे वाले लेयर पे लेके आना है। तो अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो का प्लेबैक स्पीड तुम लोग थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। तो देखो भाई, यहाँ पे सब कुछ सही कर लेना, उसके बाद ये बैकग्राउंड वाले एडिट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ देख सकते हो ये बैकग्राउंड में मतलब थोड़ा शैडो वगैरह डाल देना है, उसके बाद फिर से बैकग्राउंड को एडिट करना है। यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट इम्पोर्ट कर लेंगे और ये जो देख रहे हो भाई, कुछ इस टाइप से टेक्स्ट को हम रख लेंगे यहाँ पे डेट वगैरह डालकर। और फॉन्ट हम जो सेलेक्ट किए वो तुम भी ले सकते हो और ग्रेडियंट ऐसा कुछ रख सकते हो, PLP में बिल्कुल मिल जाएगा तुम्हें, या फिर भाई तुम इसे डाउनलोड कर लेना फॉन्ट को गूगल से। वीडियो का प्लेबैक स्पीड कम करके तुम देख सकते हो भाई। और इसको थोड़ा मैं ऊपर नीचे पहले बाद में करूँगा, ये सब थोड़ा अच्छे से सेट नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे ये बैकग्राउंड को पहले मैं सही कर लेता हूँ, मैक्सिम के पीछे वाला, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। जैसे मैं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग वैसे कर सकते हो या फिर अपने मन के अनुसार कर सकते हो भाई। यहाँ पे इसको भी मैं लॉक कर दूंगा फिर से। यहाँ पे मैं इसको सबको एक भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तुम कर लेना एडजस्ट। मैं वीडियो में थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, PLP में तुम्हें सब सही मिल जाएगा भाई। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा करने के बाद फिर से हम टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे एंट्री फी वगैरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंट्री फी कुछ ऐसा स्लॉट्स वगैरह का हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो फर्स्ट प्राइज वगैरह लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सेकेंड प्राइज भी तुम लोग लिख सकते हो तुम्हारा मन के अनुसार भाई। और तुम अपना क्रिएटिविटी थोड़ा दिखाकर बस इसमें चेंज कर सकते हो भाई, अगर तुम डिज़ाइनर हो तो तुम्हें क्रिएटिविटी होगा ही। तो चलो यहाँ पे मैं ये सब कर लिया हूँ। और नहीं तो भाई जिसे पेड वर्क करवाना है वो इंस्टा पे भी DM कर सकता है भाई। तो चलो यहाँ पे ये सब हम कर लिए सही से अपना, यहाँ पे ये सब सेट कर लिए। उसके बाद फिर से टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे हम और रजिस्टर का यहाँ पे हम डाल देते हैं। हम यहाँ मतलब ये हमारा ही ऐप है वैसे है, तो ये ऐप तुम्हें कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, तो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे हमारा ESports वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इसलिए जाकर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सब हम सेट कर लेंगे अच्छे से इसे भी, और उसके बाद ऊपर नीचे टेक्स्ट को सबको सही करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट को तुम लोग सही कर लेना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसे नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। और देख रहे हो भाई थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं वीडियो में नहीं कर पाया हूँ उतना, वैसे PLP में तो दे ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और देखो भाई वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा भाई, मैं रात से बना रहा हूँ और अभी दिन हो चुका है भाई, अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, रात में रिकॉर्ड किया था। तो भाई चलो, और मुझे थंबनेल भी बनाना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से हम टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे एक, यहाँ पे नीचे कर लेते इसको थोड़ा, उसके बाद टेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का लिंक डाल देते। तुम लोग अपना कॉन्टेक्ट का ऑप्शन डाल लेना या जो भी मन हो वैसा कर लेना तुम लोग। यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसे नीचे लगा देंगे और इसमें हम कलर ब्लैक कलर कर लेंगे फिल, और इसे भी हम थोड़ा अच्छे से सेट करके यहाँ पे लॉक कर देंगे। यहाँ पे लॉक कर देना है तुम्हें भी सेट करके, इसको देख लेना अच्छे से सेट करके तुम लोग भी लॉक कर देना। तो यहाँ पे लॉक कर देंगे हम, उसके बाद फिर से हमें टेक्स्ट इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पहले ये सब हम देख लेते हैं, इनर शैडो वगैरह ये टेक्स्ट का मैनेज कर लेते हैं 1000 INR वाले का, तुम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना जैसा तुम्हारा पोस्टर हो, इसमें तुम चेंज करना चाहो कुछ चेंज भी कर सकते हो। फिर से एक टेक्स्ट हम लेंगे और यहाँ पे हम स्पॉन्सर कर देंगे, स्पॉन्सर वाई लिख देंगे। देखो भाई हमारा ESports में जो भी टीम विन करेगा उसको हम लोग न्यूज़ में फीचर करवाएंगे, तो ये न्यूज़ ऐप मतलब न्यूज़ ऐप होता है उसके थ्रू स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है ये टूर्नामेंट। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ESports, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाला भाई किसी को। तो यहाँ पे भी हम शैडो वगैरह डाल देंगे लोगों के पीछे, और देख सकते हो यहाँ पे शैडो डाल के इसे हम छोटा करके यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे हम पहले अच्छे से सेट करके लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसे भी सेट करके लगा चुके हैं, मतलब देख सकते हो कैसे लगाना है भाई। और उसके बाद और भी टेक्स्ट इंपोर्ट करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते अपना जो भी हो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे हम लिख दिए विनर टीम विल बी फीचर्ड इन न्यूज। तो यहाँ पे हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, अब फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना तुम लोग,
उसके बाद इसका साइज छोटा करके यहाँ पे हम लगा देंगे इसे। तो वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, यहीं तक था, बाकी तुम लोग मैनेज कर लेना। अगर PLP डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और देखो भाई, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए देखो भाई, यहाँ पे हम टेक्सचर वगैरह लगा देते हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो मैं लगाने दे रहा हूँ ये लगा लेना तुम्हारा मन करे तो, या फिर नहीं भी लगाना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है, बाय।